छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की सियासत पलट कर रख दी। कल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज भूपेश बघेल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद को इस्तीफा सौंप दिया और खुले दिल से हार स्वीकार करते हुए बीजेपी को बधाई दी है। एक्स पर लिखा, जनता का जनादेश हमेशा सिर आंखों पर रहा है, आज भी इस परिणाम को सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं। इस बात का संतोष है कि 5 साल में आपसे किए हर वादे को पूरा किया, वादे से ज्यादा देने का प्रयास किया और छत्तीसगढ़ महतारी की भरसक सेवा की। जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बड़ी हैं। देखिए, वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन इन नतीजों ने सबको चौंका दिया। इस पूरे चुनाव में जिन सीटों पर सबकी नजर थी, जो हॉट सीट मानी गई, जिन पर कद्दावर नेताओं ने बाजी लगाई, आइए देखते हैं वहां किसे फतह हासिल हुई। पाटन विधानसभा सीट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा से जीत हासिल कर ली है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अंतिम दौर की गिनती में बघेल को 95,438 वोट मिले, जबकि उनके भतीजे और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल को 75,715 वोटों से संतोष करना पड़ा। यहां दिलचस्प बात ये रही कि बघेल के विरोध में बीजेपी ने उन्हीं के भतीजे को वहां से उतारा था, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त मिली। कोटा विधानसभा सीट। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा 1,981 वोटों से जीत चुके हैं। कवासी लखमा ने कोटा में सीपीआई उम्मीदवार मनीष कुंजाम को हरा दिया है। कोटा छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में सुकमा जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। यहां सीनियर कांग्रेस नेता और राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का इसे गृह क्षेत्र माना जाता है, जहां से उन्होंने जीत हासिल कर अपनी साख को बचा लिया। पत्थलगांव विधानसभा सीट। छत्तीसगढ़ की पत्थलगांव सीट पर बीजेपी ने सांसद गोमती साई को मैदान में उतारा था। उन्होंने कांग्रेस के राम पुकार सिंह ठाकुर को 255 वोटों से शिकस्त दी है। कवर्धा विधानसभा सीट। कवर्धा विधानसभा कबीरधाम जिले के तहत और राजनंदगांव लोकसभा क्षेत्र में आती है। कवर्धा विधानसभा सीट अनारक्षित है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से 1990 और 1993 में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक मोहम्मद अकबर का मुकाबला बीजेपी के विजय शर्मा से था, जिसमें विजय शर्मा को जीत मिली। साजा विधानसभा सीट। साजा छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की विधानसभा सीट है। इस बार साजा में कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और बीजेपी की तरफ से ईश्वर साहू के बीच सीधा मुकाबला था। इस चुनाव में पहली बार उतरे ईश्वर साहू ने कांग्रेस के दिग्गज और 7 बार के विधायक रविंद्र चौबे को हरा दिया, जिससे कांग्रेस के दिग्गज नेता रविंद्र चौबे की साख पर चोट मानी जा रही है। वो पहली बार चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार से यहां हार गए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।